The Pascal application. The appellant is the wife of the deceased. Not the deceased, the Yogesh Titlani. He has committed suicide. Made allegation against the present of Tikan. Suicide note है? Yes, my lord. उसमें ये आरोप लगाया है कि Just a minute. मैं read to suicide. मैं योगेश टिलवानी सुसाइड करने जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट भी करवाया गया प्रिया टिलवानी और रमेश्वर पटेल ने मिलकर 14 मई 2023। बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है, सह नहीं पा रहा हूँ। प्रिया टिलवानी मेरी वाइफ है, रमेश्वर पटेल उसका प्रेमी है। दोनों ने मिलकर मुझे पहले 14 मई 2023 को मारने की कोशिश की, फिर प्रिया टिलवानी मेरी वाइफ जबलपुर से भाग कर ले गया। अब दोनों मिलकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे बच्चे अंश को बेचना चाहते हैं, किसी और उसकी जिंदगी बच्चे की खराब करना चाहते हैं। दोनों मिलकर अपनी खुशी के लिए बच्चे की कुर्बानी कर देंगे और बच्चे को मारने की धमकी दी है। इस तरह से मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और इतना टॉर्चर सह नहीं सकता हूं, इसलिए सुसाइड करने जा रहा हूं। इन दोनों ने मिलकर मेरा घर बर्बाद कर दिया, बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। मेरे मरने के बाद इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रिया और रमेश्वर ने मेरी और मेरे बच्चे की लाइफ खराब कर दी है। मैं इतना टॉर्चर सह नहीं पा रहा हूँ। मेरा एक्सीडेंट करवाकर मुझे मारना चाह रहे थे, लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं, इसलिए तंग आकर सुसाइड कर रहा हूँ। इसकी जिम्मेदारी प्रिया और रमेश्वर की होगी। दैट इज अ स्पेसिफिक एलिगेशन इन प्रीवियस टू द सुसाइड वालों इज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली टॉर्चर एंड डेट स्पेसिफिक डेट डेट आल्सो मेंशन एंड आगे भी है सर। इसका जो दूसरा पन्ना है, मम्मी पापा माफ कर देना, भैया बहन माफ जीने की इच्छा नहीं थी, जीने की इच्छा थी लेकिन टॉर्चर से खत्म हो रही है। प्रिया रामेश्वर की वजह से क्या टॉर्चर किया है इन्होंने सर? ये इसका इनलिटेड रिलेशन था प्रिया का रामेश्वर पटेल के साथ, तो ही दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड कमिटेड। और इसके बच्चे को इसके 14 मई 2023 का जो बता रहा है कि मारने की भी हमको कोशिश की हमारे ऊपर, ये साहब को क्या कहना है? देयर इज स्पेसिफिक एलिगेशन अगेंस्ट दिस एप्लिकेंट इन द साइड नोट लाशिंग एप्लिकेंट हैज स्पाइक Not an exaggerated to first application under section 439 police station opens his counsel appearing for applicant submitted that applicant was having extramarital relationship with some other men full stop. Her husband could not tolerate this and he committed suicide. There is no abetment of suicide on part of applicant. Government advocate as well as counsel appearing for objector opposed the application for grant of bail. It is submitted that applicant along with his lover has tortured the deceased Yogesh Telwani, due to which he committed suicide. Allegations were also made that applicant want to sell his own son full stop. It is submitted that act of applicant has driven the deceased to commit suicide. Heard the counsel for the parties. Deceased was husband of applicant. Applicant is alleged to be having an affair with some other person, due to which he committed suicide. Full stop. Considering the fact that applicant is a woman aged about 24 years and husband committed suicide, as he alleged that she was having extramarital relationship, considering aforesaid circumstance, application is allowed. Okay.